यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत। माता रानी खुश हैं, दे सदा सुखी रखे। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, आए दिन अधिकतर लोग अपनी नौकरी का रोना रोया करते हैं। कोई अपने काम को लेकर परेशान है, कोई प्रमोशन को लेकर टेंशन में है, तो बहुत सारे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें इसीलिए पड़ी हैं कि वो अपने बॉस के सामने कैसी अपनी गुड इमेज बनाए और इसके साथ साथ समय पर प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ती रहे। तो कहीं जाना मत, क्योंकि आज का विषय आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी जानेंगे हम गुरुदेव से। तो सबसे पहले हम गुरुदेव से जानेंगे कि कुंडली का कौन सा कारक बॉस बनवाता है और कौन सा कारक आपको नौकर बनाता है। जन्म कुंडली की में कोई भी ग्रह, यानी कि 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी आपको बॉस बना सकता है। शर्त इतनी है कि जब आप पैदा हुए, जो खास तौर पे आपके कर्म स्थान को लगा हुआ ग्रह है, वो अगर लगन के ग्रह के साथ संबंधित हो और वो शुभ बैठा हुआ हो, और काम तो हम उसी का ही करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पे होते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएंगे, हम इंजीनियर तो इंजीनियर ही बनाएंगे, हम फौजी हैं तो फौजी बनाएंगे। ये संभव नहीं हो पाता बेटा। बच्चा जिस ग्रह को कर्म स्थान पे लगवाकर या लगन के साथ संबंध को लगवा करके पैदा हुआ है, उसने वही कार्य चुनने हैं, और वो कोई भी हो सकता है। फिर कर्म स्थान को ये लगा हुआ ग्रह, ये इंसान को उसी काम के अंदर बॉस तो बनाता है, लेकिन लगन का संबंध होना चाहिए। अगर लगन का संबंध उसके साथ नहीं होगा तो ऐसा इंसान नौकर बनेगा, और अगर लगन के साथ में उस ग्रह का संबंध है जो उसके कार्यस्थल पर बैठा हुआ है, तो आदमी बॉस बनता है। इंटरेस्टिंग। इंक्रीमेंट पाना है तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जल्द ही इससे भी पर्दा खुलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की, कैसा रहेगा इनका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन किसी भी तरह का भक्ष्य सेवन आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, पेट को खराब करेगा, और ये पेट की खराबी या स्वास्थ्य की किसी भी तरह की दिक्कत ये आपके स्वभाव को खराब करेगी, और आपका स्वभाव फिर आज अपने घर को खराब कर सकता है। तो इसीलिए इसकी जड़ को ही ना पनपने दे। कहने का मतलब, आज शुद्ध शाकाहारी रहें, सुबह सवेरे मंदिर में कुछ फूल अर्पित करके दिन शुरू करें, सुख होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का आज हर तरह से भाग्य साथ देने वाला है। किसी भी प्रकार के काम के अंदर आज आपको कामयाबी वो हासिल होगी, और पूरा दिन व्यस्तता में कामयाबी पाकर के जब आप घर आएंगे, तो आपको हो सकता है कि आपको जिनसे खुशी मिले, ऐसे कोई यार दोस्त, ऐसे कोई आपके रिश्तेदार भी आकर के आपकी खुशी को और बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर दिन शुभ है, कुछ थोड़ा सा मीठा मंदिर में ज़रूर दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज कामों में तो सफलता मिलेगी, हर तरह का लाभ का योग भी है, लेकिन खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में गड़बड़ और गड़बड़ के कारण चिड़चिड़ापन ये दिन को बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और सुबह सवेरे कुछ फल मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। गुरुदेव, अक्सर देखा है कि एम्प्लॉय है, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, स्टिल उसकी इमेज है जो उसके बॉस के सामने अच्छी नहीं बनती, ऐसा क्यों? कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो उसकी इमेज को डाउन कर देते हैं? आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये जवाब नहीं दिया होगा जो आज मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा जी, लेकिन लोगों को इसके पीछे की साइंस नहीं पता। और वो साइंस क्या है? 9 के 9 ग्रह अलग अलग काबिलियत देते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर कॉमन सेंस का होता है, 6ठा घर
प्लानिंग का होता है। और आठवां घर कॉमन सेंस के खुलने का दरवाजा है, यह जन्म कुंडली का आठवां घर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है, अगर पांचवें घर में और छठे घर में दोनों के अंदर कोई ग्रह बैठ गया है, कोई भी, तो ऐसे इंसान की एक लड़ाई होती है कि उसको कॉमन सेंस से इमीडिएटली जो विचार आता है उसी विचार के ऊपर तो छठा घर प्लानिंग करता है। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी कॉमन सेंस ने मुझे क्या कहा है, प्लानिंग मैंने किस पे करनी है। लेकिन छठा घर जन्म कुंडली को लगा होने के कारण ऐसा इंसान डेडिकेटली काम करता है। अब बॉस की लड़ाई क्या होती है एम्प्लॉय के साथ कि इतनी सी बात तेरे को समझ नहीं आई है, यही होती है ना। बिल्कुल। तू 20 साल से ये काम कर रहा है, अभी तक तेरे को ये नहीं पता कि तूने ये करना था, है ना। यही एक लड़ाई होती है और यही कारण होता है कि जो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। ठीक है। फिर करोड़ों करोड़ लोगों की जन्म कुंडली के अंदर आठवां घर जागृत ही नहीं है। लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब कहती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के आठवें घर में और दूसरे घर में कोई ग्रह है तो ऐसी अवस्था के अंदर आप एक बहुत ही शानदार काम करने वाले इंसान होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे, दूसरे और बारहवें घर के अंदर कोई ग्रह है तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग, एक बहुत अच्छी डेडिकेशन से हिम्मत और हिम्मत के जरिए नाम कमाने वाले बनेंगे। तो अब जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी माँ बाप ने ये देख के तो बच्चा लिया नहीं है, तो जहाँ जो ग्रह बैठ गए बैठ गए। लेकिन सारे ही लोग डेडिकेशन से काम करते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। लेकिन ये गुण पैदा करने के लिए या तो जन्म कुंडली के अंदर छठा, दूसरा और बारहवां घर भरा होना चाहिए, या कम से कम दूसरे और आठवें घर के अंदर ग्रह जरूर होना चाहिए। अब तुमने बात करी है इंक्रीमेंट की, वो क्यों नहीं मिलता, इसका एक ही रीजन है और वो होता है जन्म कुंडली का पांचवा और छठे घर के अंदर जब कोई भी ग्रह बैठे हुए हो तो ऐसी अवस्था में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आदमी अपने दिमाग में ही फंसा हुआ होता है, काम बहुत डेडिकेशन से करता है। वो तो प्रैक्टिस में इसमें द परफेक्ट, वो कहावत उन्हें सुनी है, अपना काम करते करते उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई नया बीज, नई चीज डाल के उसको क्रिएटिविटी करके बॉस को दिखाना ये संभव नहीं हो पाता, तो ये इंसान को पीछे छोड़ता है। तो ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना, एस्ट्रोसाइंस ऐप खोलिए, उसके अंदर अपनी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और सीधा आप जन्म कुंडली सेक्शन पे जाएं और वहां जा करके वशिष्ठ कुंडली को टच करिए, वशिष्ठ कुंडली आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि जन्म कुंडली के पांचवें और छठे घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो पांचवें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उसकी वस्तुएं आप पास के पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर पंचांग में लिखी होती है। ठीक है। बस उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और हर रोज़ मंदिर में देना शुरू करिए, हर रोज़ मंदिर में देना शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि अभी पूरा साल भी नहीं बीता, आपकी बुद्धि लाजवाब हो जाएगी, हर तरह से बेहतरी के हालात पैदा होने लगेंगे, बॉस की नज़रों में चढ़ जाएंगे और बॉस की नज़रों में चढ़ के एक आध इंक्रीमेंट नहीं, दसियों इंक्रीमेंट आप पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव, सबसे इसके साथ साथ ना मुझे ये भी जानना है, कुछ लोग होते हैं ना आपके काम का क्रेडिट खा जाते हैं, काम मैंने किया है पर क्रेडिट खाने वाले कोई और है, तो इससे जुड़ा क्या प्लैनेट इफेक्ट होता है या कुछ और? बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने अभी एक बात बोली कि कॉमन सेंस को भी जागृत करने के लिए उसका जो दरवाजा है कॉमन सेंस के खुलने का, वो जन्म कुंडली का आठवां घर है और आठवां घर ज्योतिष के अंदर शमशान घाट को बोला जाता है, वीरान जमीन को बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनकी जन्म कुंडली के अंदर आठवां घर जागृत है वो आपकी काबिलियत को खा जाते हैं, यानी कि अपने आप को आगे कर लेते हैं, काम आपने किया होता है, समझे, वो खा जाते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ का स्थान शमशान घाट में। ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की कोई शिकायत है
तो मोहल्ले पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारी में कभी डेथ होती है तो आदमी जाता ही है शमशान घाट में। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा दूध लेकर के शमशान घाट में भोलेनाथ की मूर्ति पे अगर अर्पित करना शुरू कर दिया तो इसे बोलते हैं आठवें घर के अंदर चंद्रमा को स्थापित करना। ठीक है, ये वाली अगर आप 43 दिन तक उपाय करके और उसके बाद हर सोमवार को करते रहे तो ये बुद्धि का पेच आपका भी खुल जाएगा और ये दरवाज़ा खुलते ही कॉमन सेंस इतनी बढ़ जाएगी कि काम करते करते हुए इतना ध्यान आ जाएगा कि ये सामने वाला आपकी मेहनत को कैसे खाने वाला है। और जिस दिन आपको ये समझ आने लग गया उसके बाद आप अपनी मेहनत को किसी को खाने नहीं देंगे, आपकी मेहनत का फल आप ही को मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। और अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। और अब बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, पर एक जगह आकर के फंस सकते हैं कि एक तरफ कहीं ना कहीं कोई मांगलिक कार्य की सूचना भी मिलेगी और दूसरी तरफ बहुत जरूरी काम भी निपटाने हैं जिनमें आज कामयाबी भी पक्की है, तो इसके बीच में डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या करें। लेकिन अपने पे भरोसा रखिए क्योंकि हर तरह की चुस्ती फुर्ती हिम्मत हर तरह से आज के दिन आपके साथ है तो आप दिन को बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। आज के दिन थोड़े से चने की दाल मंदिर में देकर कार्य की शुरुआत करें और अच्छा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो, किसी भी तरह का प्लान बनाना हो, किसी को सलाह देनी हो या किसी से सलाह लेनी हो और लेने वाली सलाह पे इम्प्लीमेंट करके उसको अपने रूप में ढाल करके आज आप कामयाबी का परचम लहराएंगे तो हर तरह से बेहतर दिन है। सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ा दीजिए, दिन और शुभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज परिवार की तरफ से तो खुशनुमा माहौल मिलेगा ही, कोई ना कोई ऐसा जानकर जो आपके मन को खुशी दे वो भी ज़रूर आएगा और घर बैठे भी काम सफल होंगे और जाकर के तो होंगे ही, तो आधा आधा दिन बांट लीजिए, आधा खुशी का आधा काम का, दिन पूरी तरह से संपूर्ण होगा। आज के दिन कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके पांवर लगा के आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें और शुभ होगा। गुरुदेव, आजकल जॉब में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब सरकारी हो या प्राइवेट, जॉब जाने का डर सबके मन में है, तो ये डर मन से खत्म हो जाए इसके लिए कोई खास उपाय है हमारे दर्शकों के लिए? अगेन हम वही आते हैं, ये जो जॉब जाने का डर है वो दो रीजन से बनता है। एक होता है स्वेच्छा से जॉब छोड़ना और दूसरा होता है गलतियों पे निकाले जाना। ठीक है, जिन लोगों का भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का संबंध शनि के साथ या चंद्र सूर्य का संबंध जन्म कुंडली के 10वें और 11वें घर के साथ हो जाता है, जो कि शनि के घर है 10वें घर, और यहां पर सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, इन लोगों को क्या होता है, ये लोग अपने मन ही मन में बातें करते रहते हैं और डरते रहते हैं। बॉस की या सीनियर की आहट से भी डरने वाले लोग होते हैं, ये दिखावा करने वाले लोग होते हैं कि ये बहुत बिजी हैं, और ऐसी अवस्था में इनकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी इनका साथ नहीं देती। ठीक है, जिसके चक्कर में इनकी कुछ छुट्टियां होती हैं या काम के अंदर कुछ आलसपन होता है और कुछ ना समझ आने के कारण काम कम करते हैं, इन लोगों को इनसिक्योरिटी का डर बहुत सताता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या होती है कि लगन के अंदर ग्रह हो और सातवें घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तब भी इनसिक्योरिटी का डर होता है। ठीक है, अब ये इनसिक्योरिटी का डर दो वजह से है, तो इन दोनों रीजनों को अगर हम खत्म करते हैं तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, जॉब टिकी रहेगी। इसके लिए करना क्या है, अगर आप काम करने वाली औरत हैं, लड़की हैं, तो आपको अपने पति को खुश रखना है, उसे मीठा दही जरूर खिलाना है, और अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी को खुश रखें, उसको डियो परफ्यूम स्पेशली अपने हाथ से ला करके दें और मीठा दही उसको खिलाएं। इससे जन्म कुंडली का सातवां घर बहुत शानदार जागृत होता है जिससे इनसिक्योरिटी खत्म होती है। ठीक है, दूसरा, जन्म कुंडली का 10वां घर या 11वां घर, यहां बैठे हुए सूर्य चंद्र या शनि के साथ में संबंध सूर्य का, ये इनसिक्योरिटी देता है और अपने अंदर ही मन ही मन के अंदर आदमी सोच ज्यादा
उलझा रहता है और उसके कारण उसे लगता है उसने बहुत काम कर लिया, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं होता, तो जिसके कारण बॉस ये डिसीजन लेता है कि नौकरी इसकी जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से तांबे के पैसे लीजिए साबुत और बहते पानी के किनारे जाएं और जाकर के एक एक तांबे का पैसा माथा पे लगा करके बहते पानी के अंदर बहाते रहे नदी या नहर में, और इससे कुछ देर अगर वो भी नहीं है गुड़ ले लीजिए, गुड़ लेकर के इतनी इतनी डली अपने माथे पे लगाएं बहाएं, ठीक है 400 ग्राम गुड़ ले लीजिए एक दिन का। तो अगर आप ये संडे के संडे करते हैं तो बहुत उत्तम, और जो संडे के संडे नहीं कर सकते 43 दिन लगातार कर दीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो महीने के पहले रविवार को ये कार्य ज़रूर कर दिया करें। तो ये कार्य करते ही इनसिक्योरिटी दूर जाएगी, अपने आप से बातें करने की आदत हट जाएगी, काम के ऊपर फोकस बन जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, और बॉस को बिना कुछ कहे ही आप जब उसके आगे की सोच के आगे का काम करके देंगे तो उल्टा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी। बिल्कुल, इंक्रीमेंट चाहते हैं और वाह वाही चाहते हैं तो गुरुदेव के आसान और अचूक उपाय ज़रूर अपनाएं, और अब कहीं मत जाइएगा, इंक्रीमेंट करवाने का भी हम आपको उपाय बताएंगे, जल्दी ही बताएंगे, और आपको मन चाहे इंक्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम तुला वृश्चिक और धनुराशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए भी लगभग अच्छा ही दिन है, परिवार का सुख और सहयोग तो लिखा ही हुआ है, प्रयास करने पर किसी भी तरह के कार्यों को आप संभव कर सकते हैं, तो इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके चलिए और नेगेटिव मत सोचिए, आज के दिन आपके काम सफल होंगे। सुबह सवेरे भोलेनाथ को थोड़े चावल और मिश्री अर्पित करिए, उसके बाद दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अटपटा दिन है, आज किसी भी तरह के कार्य को करते हुए उसमें अड़चने और बाधाएँ नजर आएंगी, वो आपके स्वभाव को बिगाड़ेंगी और आपका बिगड़ा हुआ चिड़चिड़ा हुआ स्वभाव आपके माहौल को बिगाड़ेगा, तो इसीलिए आज का दिन पूरा धैर्य में रहिए और सुबह सवेरे आप एक पानी का कुंभ घर में स्थापित करके परमात्मा को प्रणाम करके तब निकलें और सहजता से काम करें, और किसी भी काम के अंदर कोई निराशा अगर मिलती है तो स्वभाव को ना बिगड़ने दें। धनुराशि के वालों के अपने शरीर में भी कुछ ना कुछ आज कमज़ोरी महसूस होगी, परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बड़ा अजीब सा दिन रहेगा कि जैसे फंसे हुए रहेंगे, इधर से किसी ना किसी का काम बताना, किसी का आकर के आपको बिजी करना, उधर अपने कामों का सफल ना हो पाना, तो इन सब के अंदर मन के अंदर एक डर सा बना रहेगा। मेरी सलाह ये है कि सुबह सवेरे माता पिता के पाँव लगा के परमात्मा को प्रणाम करें, आत्मविश्वास रखें, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कल अच्छा दिन भी आने वाला है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है, नौकरी चली गई है, बहुत लाख कोशिशों के बाद नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या उपाय करें कि नौकरी मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं एक बार, वैसे तो जाता ही रहता हूँ, कुरुक्षेत्र गया था, और वहाँ पर जो सरोवर है कुरुक्षेत्र में मेन, तो वहाँ जो वहाँ संस्था है उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो कहते हमने इनका अगर प्रचार प्रसार करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जितना बहुत बड़ा कुंड है और उसके अंदर भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है, कृष्ण जी की स्थली है वैसे, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ चंद्रमा स्थापित है, ठीक है, और ऊपर से वहाँ पर उनकी शाम को आरती भी होती है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या अपने यहाँ जगह जगह बोर्ड लगाइए कि जिनको भी नौकरी नहीं मिलती या जो नौकरी पे लगना चाहते हैं लेकिन उनका बस नहीं चलता, जिनकी नौकरी बार बार छूट जाती है, यहाँ पर एक प्रचार कर दीजिए कि एक छः छः तांबे के पैसों का एक पैकेट बनवा के हर दुकान पर यहाँ बिकने लग जाए, ठीक है, और यहाँ जो भी आए कम से कम 3 दिन के लिए, नहीं तो 6 दिन के लिए रहे यहाँ पर। उसको करना क्या है, करना ये है कि सुबह की और शाम की उनकी आरती के अंदर जाना है, और जब आरती होने लगे तब अपने हाथ में वो तांबे के 6 सिक्के अपने हाथ में रखें, और रखने के बाद आरती संपूर्ण होने के बाद
वो एक एक तांबे का पैसा लेके अपने माथे पे लगा के कुंड में विसर्जित करते हैं। इसे बोलते हैं, वहाँ खड़ा पानी है वो कुंड है, इसे बोलते हैं जन्म कुंडली का छठा घर। और जब भी छठा घर आबाद होता है नौकरी फौरन लगती है, ठीक है, आजमा के ज़रूर देखना। तो जो जो कोई भी अपनी पसंद की नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, लग नहीं पा रही, उनको कम से कम 6 दिन तक कुरुक्षेत्र सरोवर पर जाकर के रहना चाहिए, सुबह शाम की आरती देखनी चाहिए और हर बार 6 तांबे के सिक्के अपने पास रखने चाहिए और आरती के उपरांत उनको अपने माथे पे लगा के कुंड के अंदर विसर्जित कर देने चाहिए। और ये तांबे का पैसा डालने से पानी और शुद्ध और मिनरल वाला होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो छठा घर जागृत करिए, सिर्फ 6 दिन में जाग जाएगा और आपकी नौकरी पक्की लगेगी। चलिए, आपकी पक्की नौकरी का इलाज हमने कर दिया। तो एक और बात हम करना चाह रहे हैं गुरुदेव, देखा है कि आजकल नौकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गई है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं पर नौकरी पक्की नहीं हो पा रही है, ज़्यादातर ये सरकारी जॉब में होता है, तो इसके लिए कोई उपाय होगा? यहाँ अगेन वही बात है, जन्म कुंडली का 5वां घर बेशक मैंने कॉमन सेंस का बताया है लेकिन इनके लिए एक और प्रॉब्लम होती है कि जब भी इनकी जो भी नौकरी होती है अगर सिर्फ 5वें घर के अंदर ग्रह हो तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेस ही नौकरी लगती है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर छठे घर में कोई ग्रह ना होने के कारण इनकी नौकरी का पक्का होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी दुनिया 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रही है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में करना क्या होता है, अपनी जन्म कुंडली बनाइए एस्ट्रो साइंस ऐप पर और वहाँ पर वशिष्ठ कुंडली को टच करके देखिए 5वें घर में ग्रह कौन सा है, उस ग्रह की वस्तुओं को लेकर के आप मंदिर में देना शुरू करें, उसी के वार को दे दो। जैसे चंद्रमा हो तो सोमवार को, मंगल हो तो मंगलवार को, बुध हो तो बुधवार को, बृहस्पति हो तो बृहस्पतिवार को, शुक्र हो तो शनिवार को, इस तरह से उसकी वस्तुओं को मंदिर में देना शुरू करिए। और इसके साथ ही ये कुरुक्षेत्र वाला 6 दिन का कर लीजिए और ये उसी दौरान करें जब आपको उम्मीद हो कि अब इन दिनों में गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकालने वाली है कि पक्के भी हो सकते हैं, या जब भी आपको उम्मीद हो आप ये उपाय करके देखिए, आपकी नौकरी ज़रूर पक्की होगी और परमात्मा ज़रूर कृपा करेंगे। बहुत खूब, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है, कामकाज में भी उतार चढ़ाव की स्थिति और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति, तो इन दोनों के बीच में रहते हुए बेटा एक बड़ा मायूस सा दिन हो सकता है, लेकिन मायूसी नहीं करनी, माता रानी को प्रणाम करें, कुछ फूल अर्पित करें, चांदी की डिब्बी में चावल जेब में रखें, दिन शुभ हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी इसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत और ऊपर से घर परिवार जानकारी के अंदर खुशी का माहौल, इन दोनों में बड़ी असमंजस्य स्थिति से में आप रहेंगे और ऊपर से धन की कमी, ये धन की कमी भी दुखी करेगी, तो इसीलिए सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मीठा देके पांवर लगाएं और चांदी या चावल या चांदी चावल इकट्ठे डिब्बे में डालकर अपनी जेब में रखें। मीन राशि, मीन राशि की विडंबना है, बार बार बुरा समय आता है, इसके लिए आज फिर वही बेमतलब की परेशानियां मन में पैदा कर लोगे, वहम पैदा कर लोगे, उससे स्वास्थ्य पे भी इम्पैक्ट रहेगा और एक भाव ये कि सामने वाले ने आपका अनादर कर दिया, वो घर वाला भी हो सकता है बाहर वाला भी, ये भाव आपको ज़्यादा ख़राब करेगा, तो इसलिए हो सके तो इस भाव को त्याग कर चलें और मंदिर जा करके परमात्मा को प्रणाम करके वहाँ से मिश्री या मीठा खा करके तब घर लौटें और अपने मन को कहें कि आज आप किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे, तो आपका दिन शुभ होगा। अब गुरुदेव सबका इंतज़ार ख़त्म करवाते हैं हम, बात इंक्रीमेंट की हो रही है, सब एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट चाहिए, तो इंक्रीमेंट करवाने के लिए कोई खास उपाय बताएं? इंक्रीमेंट यानी कि आपके पास भर के धन आना, ऊंचाई को छूना, इज्जत का बढ़ना और आप अपने जूनियर से या अपने साथ वालों से ऊपर की कुर्सी पे जाना। अब ऊपर की कुर्सी के घर कौन से हैं? ऊपर की कुर्सी के जो घर है जन्म कुंडली के अंदर, समझे ना, ये देखते हुए जो राइट साइड पे आपको नज़र आता है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर होता है।
अब इसके लिए क्या करना है? इसके अंदर लाभ स्थान या जन्म कुंडली के 12वें घर को जागृत करना होता है और वहां पर उनकी पसंद का ग्रह भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, 11वें घर को जागृत करने के लिए आपको पहाड़ी मंदिर, कोई बहुत ऊंचा पहाड़ी मंदिर जहां पर बर्फ भी पड़ती हो, या तो वहां का जल ला करके अपने घर पर रखें। इससे 11वें घर का जल जब आपके घर पर आएगा और उसका आप थोड़ा थोड़ा चनामत के रूप में सेवन करते रहेंगे, 11वां घर प्रबल होगा, वो आपको इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, और दूसरा, आप मान लीजिए पहाड़ों पे नहीं जा सकते, कोई भी मजबूरी है या इतना बजट नहीं है, तो आसान उपाय ले लीजिए, एक झंडा बनाइए जिसके डंडे वाली साइड में वाइट कलर और आगे तिकोना टाइप, इस प्रकार से तिकोना टाइप, आगे की तरफ में काले रंग का कपड़ा लगाइए सिलाई करके, तो तिकोना झंडा बन गया। ठीक है, इस काले सफ़ेद तिकोने झंडे को डंडे में पिरोकर मंदिर की छत पर लगाना शुरू करिए, जिससे कि जन्म कुंडली का 12वां घर जागृत होगा। और 12वें घर पे केतु जब होते हैं, ये मोक्ष कारक भी होते हैं, पॉजिटिव सोच के कारण कारक होते हैं और जिंदगी के अंदर तरक्की देने के कारक होते हैं। और जब भी किसी का प्रमोशन अटका हुआ हो, केतु ही खराब होने की वजह से टेंशनों वाले माहौल पड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते, एक वो से बन जाती दूसरे से नहीं बनती, कहीं ना कहीं रोड़ा अटका ही रहता है। तो इस केतु को निकाल के जन्म कुंडली के 12वें घर में, यानी कि मंदिर की छत पर स्थापित करना शुरू करें और 43 दिन लगातार करें। बॉस एक हो या तीन, सारे खुश हो जाएंगे, इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा। चलिए, गुरुदेव के अचूक उपाय से उम्मीद करते हैं आपका इंक्रीमेंट जल्दी हो। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें, नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।